हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज है डे 5, तो हम डिस्कस करेंगे आगे कुछ फैक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला पॉइंट है आशियान यूएस मेरीटाइम एक्सरसाइज AMUX। ठीक है, तो ये है फर्स्ट मेरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन रीजनल ब्लॉक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आशियान, आशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नेशंस एंड USA। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, आशियान एंड US के बीच में होने वाली ये पहली मेरीटाइम एक्सरसाइज है। तो मेरीटाइम एक्सरसाइज मतलब जो समुंदर में होती है। तो जैसे हमने युद्ध अभ्यास देखा था, वो जो ग्राउंड पे होती है मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वो इंडिया USA के बीच में बाइलेटरल। तो ये भी बाइलेटरल एक्सरसाइज है, ये मेरीटाइम एक्सरसाइज है। तो ये फर्स्ट एवर मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, आशियान और USA के बीच में हुई है। तो इट इज़ हेल्ड एट साताहिप नेवल बेस, थाईलैंड में हुई है। ठीक है, ये याद रखना है कहाँ पर हुई है, थाईलैंड में हुई है। तो कौन से बेस में हुई है? साताहिप नेवल बेस में हुई है। तो किस किस कंट्रीज के, किस किस एसोसिएशन के बीच में? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, जो आशियान है, एंड USA के बीच में। ठीक है, ये हो गया। आगे हम चलते हैं सेंटर 2019 इंटरनेशनल कमांड एक्सरसाइज। ये रशिया इस वक्त होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रशिया इज होल्डिंग दिस एक्सरसाइज। तो इसमें विभिन्न विभिन्न कंट्रीज़ के आएंगी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो जैसे कि मिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, ये ज्वाइन करेंगी इस एक्सरसाइज को। तो आप फिर से देख लेते हैं, नाम है सेंटर 2019 इंटरनेशनल कमांड एक्सरसाइज। तो ये कहाँ पर हुई, कौन से होल्ड करेगा? रशिया में होगी, तो रशिया से होल्ड करा है। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व होगी, तो वो जान लो, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ठीक है, ये याद रखना, ये 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसको याद रखना है कौन कौन सी हुई है। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, बस्टर्ड्स तो ये एक्चुअली क्या है कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी है। ठीक है, तो इन्होंने IUCN स्टेटस मिल चुका है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये मैंने पिक्चर यहाँ पर शेयर की हुई है। तो ये इंडिया के कुछ हिस्सों में फाउंड की जाती है। तो एक तो गुजरात है जहाँ ये आपको दिख पाएगी, या महाराष्ट्र, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर ये दिखेंगी आपको। ठीक है ना, GIB। तो आपको बता दूं कि ये शेड्यूल 1 में एंड अपेंडिक्स 1 को में लिस्ट किया गया है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड सिटीज़ में, CITES में, इसके बारे में बताऊंगा अभी। ये एक्चुअली ये बर्ड क्या है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसको अभी सेव करना पड़ेगा अराउंड 130 के अराउंड, अभी इंडिया में है। ठीक है ना, अभी तक अगर गिनती की जाए इनकी, तो इनको अपेंडिक्स 1 ऑफ सिटीज़ में इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसके बारे में बता दूं, तो CITES, ठीक है ना, ये याद रखना है, CITES। तो ये है क्या? इट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फिर से बता देता हूँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये है, ठीक है ना, तो फौना में एनिमल्स आ गए, फ्लोरा में प्लांट्स, ठीक है, वो आ गए। तो ये याद रखना है। उसके बाद और बता दें, तो कि जो ये सीटीज आई थी, ये कब कब फोर्स में आई थी? तो इट केम इनटू फोर्स इन 1975। ये याद रख लेना, ये कई बार मेन्स प्रीलिम्स में पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर UPSC में, नहीं तो SSC या बैंकिंग में पूछ लेंगे आपको। तो सिटीज़ के बारे में, केम इनटू फोर्स इन 1975, ठीक ना। तो एक्चुअली करंटली इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं? तो 183 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो 980 इसमें अभी हैं, 183 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। तो मैंने पार्टीज़ कहा, कंट्रीज़ नहीं कहा। तो पार्टीज़ में आपको कंट्रीज़ भी मिल जाएंगी, तो एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो 183 पार्टीज़ हैं, तो उसमें आपको कंट्रीज़ भी मिल जाएंगी एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में पाई जाएगी। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी, ठीक है, इनको, इन्हीं को कंक्लूड करेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। तो कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, तो हम देख लेते हैं। एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी, जो राजस्थान में है, ठीक है, ये याद रखनी है। राजस्थान में कौन सी है? डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी। दूसरा, रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोलापाड़ू। तो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये याद रखनी है, ठीक है आपने। तो ये कहीं मैच द कॉलम कहीं कहीं जगह आ जाता है, तो उसमें याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी है, रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश में कौन सी, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड जो राजस्थान में कौन सी, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी। तो ये याद रखना है, इन एरियाज में इनको प्रोटेक्ट करने की अभी पूरी कोशिश जारी है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। तो 3 एनिमल स्पीसीज हैं,
जो इंडिया में अभी तक यू नो एक्सटेंड ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या कि यू नो जहाँ पर डेजर्ट के कारण पानी की कमी हो रही है, वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है, तो उन जगह उन यू नो कंट्रीज़ में या स्टेट्स में कह लो, उन जगह के एरियाज में कह लो, हमें वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन का यू नो हमें हल निकालना पड़ेगा इस चीज़ का। तो अभी तक यू नो कुछ स्पीसीज हैं जो इंडिया ने लिस्ट में निकाल ली हैं कि जो यू नो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यू नो देन दे आर अबाउट टू एक्सटेंट, तो वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। एक तो इंडियन चीता है, ठीक है ना, तो ये इंडियन लिस्ट है, इंडिया की लिस्ट आई है, ठीक है ना, तो दे हैव बिकम एक्सटेंट, ठीक है ना। तो एक इंडियन चीता है, एक पिंक हेडेड डक है, तो मैंने यहाँ पर पिक शेयर भी की है, तो ये है पिंक हेडेड डक, ठीक है ना, आप देख लो इसे। तो उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर जो मैंने पिछले डिस्कस किया अभी, ठीक है ना, जो जिसको भी पूरी यू नो सेव करने की कोशिश करी कर रहे हैं सरकार। उसके बाद अगर स्नो लेपर्ड आ गया, तो इट इज़ तो स्नो लेपर्ड की इस बारे में बताया जा रहा है कि लिस्टेड वल्नरेबल ऑफ द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, तो इसको भी लिस्ट में डाल दिया है। आपको बता दूं अभी अभी हाल ही में यू नो कॉन्फ्रेंस होके हटी है साउथ अफ्रीका में, 14th कॉन्फ्रेंस होके हटी है, COP से कहते हैं, ये रखना है CEO कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। तो ये हाल ही में अभी हुई है, कहाँ पर हुई है, ये हुई है साउथ अफ्रीका में, जगह याद रख लो, कौन सी कॉन्फ्रेंस है, कौन सी मीटिंग है, ये 14th मीटिंग है, तो ये 14th COP है, कहाँ पर हुई है, साउथ अफ्रीका में। मैं इसकी बात कर रहा हूँ UNCCD, इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, जैसे यही डेजर्टिफिकेशन के कारण जो एनिमल्स एक्सटेंट हो रहे हैं उनके बारे में लिस्ट आई थी, तो ये भी उसी में लिस्ट आई थी। तो अभी 14th मीटिंग हुई है, तो इसमें यू नो स्नो लेपर्ड का भी नाम उन्होंने शामिल किया है, ठीक है ना, किसमें, वल्नरेबल ऑफ द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है ना। तो ये थ्रेटन स्पीसीज में डाल दिया इसको भी। तो अभी हाल ही में अभी जो नास जो हैंसबर्ग में हुई है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में हुई है, तो एक्चुअली यू नो क्या इनका एम क्या यही है कि यू नो टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है ना। जो इस साल की जो थीम है, ये भी आप याद रख लेना कि कहीं पेपर में आ जाएगा, 2019 की जो थीम है UNCCD की, वो है रिस्टोर लैंड, ठीक है ना, रिस्टोर लैंड कॉमा सस्टेन फ्यूचर, ठीक है ना, रिस्टोर लैंड कॉमा सस्टेन फ्यूचर, ये याद रखना, ये इस साल की थीम है, तो ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बॉयगा ठाकरे, ये एक्चुअली नवी स्नेक की स्पीसीज है जो अभी फाउंड हुई है हाल ही में वेस्टर्न गार्ड्स इन महाराष्ट्र में, ये याद रखना है। तो उसका नाम क्या है, बॉयगा ठाकरे, बॉयगा एक्चुअली एक स्नेक के बायोलॉजिकल नेम से यू नो आप रिलेट कर सकते हैं। तो द स्पीसीज फॉल इन द कैटेगरी कॉमनली कॉल्ड कैट स्नेक्स, ठीक है, ये याद रखना, कैट स्नेक्स के अंडर ये स्पीसीज फॉल करती है, ये मैंने पिक शेयर की हुई है, ठीक है ना। तो फिर से याद रखना कहाँ पाया गया और किस कैटेगरी में फॉल करती है। पहला ये बात है कि ये पाए गए हैं वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में, हाल ही में डिस्कवर किया, ठीक है ना, ये नवे हैं स्नेक स्पीशीज, तो किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये कैट स्नेक्स में, ठीक है ना। एंड इट बिलोंग्स टू जीनस बॉयगा, मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल नेम है, एंड हैज़ टाइगर लेग स्ट्रिप्स ऑन बॉडी, ठीक है ना, तो इट हैज़ टाइगर लेग स्ट्रिप्स ऑन बॉडी, ठीक है ना। यू नो एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ, ये एक्चुअली यू नो जो अभी उदय ठाकरे उनके बेटा जो है तेजस, वो उनके नाम यू नो उन्होंने डिस्कवर किया, तो उनके नाम से ये पड़ा, इसका नाम है बॉयगा ठाकरे, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र वेस्टर्न गार्ड्स में अभी डिस्कवर किया। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, माइक्रोहाइला EOS, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली फ्रॉग है, फ्रॉग की स्पीसीज, ये अभी हाल ही में नवी डिस्कवर हुई है, ये मैंने पिक शेयर की है, तो यू नो एक कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखना अपने, इट इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। EOS ऐसा क्यों ये नाम डाला, तो एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को हम दो नाम से भी जानते हैं, और पहला एक लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है ना, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्यों, ये इंडिया में सबसे पहले जो सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में पहली किरणें पड़ती हैं सूरज की, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि इसको लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स भी कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, दो नाम से जानते हैं हम एक्चुअली। एंड राइजिंग कंट्री, राइजिंग स्टार कौन सी है, जो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ कौन सी कंट्री है, वो आपने याद रखना है, वो है जापान, ठीक है। सबसे पहले किस कंट्री में सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो है जापान, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। हम उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट पे, ये एक्चुअली नवी स्पीसीज है फ्रॉग की, वो डिस्कवर की थी, तो यू नो लैंड ऑफ राइजिंग सन के कारण इसका नाम EOS डाला। EOS का मतलब क्या होता है, ये एक यू नो मिथोलॉजिकल ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ऑफ गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है, गॉडेस ऑफ डॉन, तो ये यू नो उन से लिया गया वर्ड, तो इसमें डाल दिया, तो इसका नाम माइक्रोहाइला EOS है।
तो योस तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। तो डिस्कवर्ड, ठीक है, अगर कोई पूछ ले किस यू नो टाइगर रिजर्व, तो ये नामदफा टाइगर रिजर्व है, ये याद रखना है। तो इट इज़ ईस्टर्न मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री, ठीक है। तो ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर अगर पूछेंगे तो नामदफा टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आता है बैम्बूनॉमिक्स, ठीक है। बैम्बूनॉमिक्स क्या, ये भी यू नो लॉन्च की गई थी अभी हाल ही में, 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है UNCCD जो अभी साउथ अफ्रीका में हुई है, ठीक है। तो यू नो वहाँ पर हुई है जोहान्सबर्ग में, तो ये उसी में लॉन्च की गई है, ठीक है, वो बैम्बूनॉमिक्स। तो यू नो इट इज़ अ मूवमेंट, ठीक है, ये याद रखना है, वो बैम्बूनॉमिक्स क्या है। इट इज़ अ मूवमेंट टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अगर यू नो जहाँ पर भी अगर UNCCD जो साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं, UNCCD, इसका मतलब है डेजर्टिफिकेशन। तो आपको यू नो कोई स्पीसीज के बारे में पढ़ा लेंगे कि इसके कारण क्या हो रहा है, तो उसे कॉम्बैट करना है, ठीक है। उसके बाद तो यू नो मूवमेंट है, ठीक है ना, तो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन विच विल इन्वॉल्व ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना, मेन ये है। तो बैम्बूनॉमिक्स में किसको इन्वॉल्व करेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी को। तो द मूवमेंट विल इंश्योर दैट ट्राइबल्स कैन अर्न अ लाइवलीहुड विदाउट कॉजिंग एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है। कहीं ना कहीं यू नो इवन जो ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों में रहती हैं, तो यू नो द वन विच लिव इन माउंटेन्स या फॉरेस्ट, तो इसमें क्या कि यू नो दे समटाइम्स यू नो ट्राई टू हार्म स्पीसीज, यू नो अपने रहने के लिए यू नो दे ट्राई टू कट वुड्स, उससे भी डेजर्टिफिकेशन होगी। तो यू नो उन चीज़ों से बचने के लिए यू नो दे विल इन्वॉल्व दीज ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया सो दैट दे कैन यू नो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इसका इस मूवमेंट का नाम क्या है, बैम्बूनॉमिक्स, तो इसे याद रखना। उसके बाद ड्रॉ टूल बॉक्स, ये भी लॉन्च्ड इन 14 सी ओ पे UNCCD हाल ही में हुई है सितंबर के मंथ्स में। तो यू नो काफ़ी कुछ पॉइंट इससे निकल के आ रहे हैं। तो यू नो इट इज़ काइंड ऑफ अ नॉलेज बैंक, ठीक है, ये याद रखना है। ड्रॉ टूल बॉक्स क्या, इट इज़ काइंड ऑफ अ नॉलेज बैंक, ठीक है, ये याद रखना है। इट मे बी यूज एज वल्नरेबल कंट्रीज सच एज इंडिया टू रिड्यूस ड्रॉट रिस्क एंड बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है ना। तो इसमें क्या कि इसमें यू नो आपको स्ट्रेटजीज होंगी, पॉलिसीज होंगी, वो सामने रखेंगे ताकि यू नो कुछ कंट्री जैसे इंडिया है, सो दे कैन रिड्यूस ड्रॉट रिस्क, ठीक है ना, वो बच सके इन चीज़ों से। तो यू नो एक वेब पेज होएगा, ठीक है, इट इज़ अ वेब पेज। तो यू नो नॉलेज बैंक है, तो ऑब्वियसली बात है कि नॉलेज बैंक कहाँ पर होगा जी, ऑनलाइन ही हमें देखेगा एज अ फॉर्म ऑफ वेबसाइट। तो उससे क्या होगा कि यू नो केस स्टडीज जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको यू नो केस स्टडीज दी जाएंगी, ताकि वो केस स्टडी करेंगे, सामने अपने मुद्दे रखेंगे, इसके बचने के लिए प्रिवेंशन रखेंगे। तो यू नो सॉर्ट ऑफ ड्रॉ टूल बॉक्स होगा, सॉरी। तो यू नो इसके बाद यू नो इन द एंड हमें क्या कहाँ किससे बचना है, डेजर्टिफिकेशन से। तो यू नो इसमें स्टेक होल्डर्स की मदद से यू नो अपने विचार रखेंगे, यू नो इवन दे कैन यू नो पुट सम स्टेप्स हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो इसमें इतना ही था, तो हम चलते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है, इसका नाम है क्रायोड्रैकोन बोरियास। तो ये एक्चुअली एक डायनासोर की स्पीसीज है, बहुत पुरानी है। तो हाल ही में इन्होंने डिस्कवर किया कि जो ये स्पीसीज थी क्रायोड्रैकोन, तो ये यू नो इन्होंने कहा कि ये लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स हैं, ये याद रखना है कौन सी स्पीसीज हुई हैं क्रायोड्रैकोन। तो ये लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स हैं, ये मैंने पिक्चर की है, डायनासोर्स के एरा में थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो इनके विंग्स पैन है, ठीक है ना, इनकी ये अराउंड 10 meters थे, तो ये चीज़ अराउंड 10 meters है ये विंग स्पैन, ठीक है ना। तो यू नो ये जो वेस्टर्न, जो इस वक्त जो वेस्टर्न कनाडा है, जो आज के समय वेस्टर्न कनाडा है, उन एरियाज में यू नो करीब 77 million years पहले पाए जाते थे, ठीक है। तो द रेप्टाइल लिव्ड ओवर 77 million years अगो इन वट इज़ वेस्टर्न कनाडा टूडे, ठीक है, ये याद रखना है। तो हाल ही में डिस्कवर डिक्लेयर किया यू नो दे आर द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स, ठीक है ना, ये ठीक है। इसका नाम फिर से बता दूँ, क्रायोड्रैकोन बोरियास। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे की स्कीम। मैंने कल आपको पढ़ाया था प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड एलिवेशन, ठीक है, उसके अंडर था। तो ये जो है ये आज हम करेंगे ग्रामीण रूरल, ठीक है, जो विलेज, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अब ये किसके अंडर होगा, इट वुड कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है ना, इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखना है। वो था यू नो अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, अब ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो इसका मेन एम क्या है, टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस, ठीक है ना, अब पक्का हाउस प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, जो जो लोग कच्चे हाउस में रहते हैं ना, झुग्गियाँ में रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, उनको क्या है पक्का हाउस प्रोवाइड करना है विद बेसिक अमेनिटीज, ठीक है, ठीक है ना। तो ये है, तो बाय वही 2022, मैंने कल बताया था 2022 तक इन्होंने पक्का, जब उसमें था हाउसिंग
ऑफ ऑल ठीक है बाय 2022। इसमें यह गया है कि कच्चे हाउस को कन्वर्ट करना है पक्का हाउस में ताकि नो पीपल दे वुड लिव इन पक्का हाउसेज। तो बाय 2022 क्यों चुना कि उस ईयर में हमें पूरे 75 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस मिलने को, ठीक है ना। तो उसके बाद मिनिमम साइज का जो था पहले 20 स्क्वायर मीटर था, ठीक है ना। 20 स्क्वायर मीटर पहले इनिशियल क्या था मिनिमम जो था साइज ऑफ हाउस, उसको अब इंक्रीज करके क्या कर दिया 25 कर दिया, ठीक है ये याद रखना, ठीक है ना। अगर पॉइंट्स लिखने हो, पहले कितना था 20 था, अब कितना है 25 है स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। एंड हाइजीनिक कुकिंग स्पेस प्रोवाइड की जाएगी प्रॉपर, ठीक है ना। एंड उसमें ये भी था कि यू नो इसमें चूल्हा उनको रिकमेंड करेंगे चूल्हा ना हो एंड यू नो एलपीजी कनेक्शन हो, तो वो भी स्कीम मैंने डिस्कस की है, ठीक है ना। तो उसके बाद और कुछ चीज़ें भी इसमें यू नो डालेंगे, जैसे पाइप ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया, एलपीजी गैस कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत यू नो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एलपीजी गैस हो गया, ठीक है ना। अब चलते हम आगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, कौन कौन से यू नो लोगों को मिलेगा, ठीक है। मेन पॉइंट ये भी है, हर किसी को मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेनिफिशरीज आर पीपल बिलोंगिंग टू एससी एसटीज, ठीक है ये याद रखना। तो फ्री बॉन्डेड लेबरर्स, ठीक है ना, नॉन एससी एसटी कैटेगरीज, विडोज, ठीक है ना, वो भी वही लोग यू नो दे हु बिलोंग टू यू नो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया, ठीक है ना, एक्स सर्विस मैन हो गया, दो डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटीज, ठीक है ना, जो यू नो बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको मिलेगा। तो यू नो तो इसमें एससी हो गया, एसटी हो गया, नॉन एससी एसटी को भी मिलेगा, ठीक है ना, जो यू नो अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं, यू नो इवन जो किसी यू नो मिलिट्री पर्सन या फिर रिटायर्ड पर्सन हैं, ठीक है ना, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, ठीक है ना, अब उनको तनख्वाह इतनी नहीं दी जाती वहाँ पर, तो यू नो पेंशन तो बहुत ही नामात्र होगी। तो यू नो दे आर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट देयर यू नो कच्चा हाउस इनटू द पक्का हाउस। सो यहाँ पर सरकार लेके आई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो यू नो जो सिलेक्शन है ऑफ बेनिफिशरीज, दे विल बी चूजन अकॉर्डिंग टू डाटा टेकन फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, तो अभी तक और नमी तो नहीं आई है, अभी लेटेस्ट तो यही चल रहा है, ठीक है ना, जो सेंसस हमारा कास्ट सेंसस है, इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का है। इवन कि यू नो हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया जो सेंसस आएगा अब 2021 में आएगा, ठीक है, आगे आएगा, तो हर 10 साल बाद आता है, तो अब आगे हम देखेंगे अगले साल कुछ और डाटा हमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही था, तो हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।